नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज। तो वक्त हो गया है दोपहर की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंच रहे। आईएनएक्स मीडिया केस में आज खत्म हो रही है चिदंबरम की सीबीआई हिरासत। ईडी हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज। आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम की हिरासत खत्म हो रही है। चिदंबरम को दोपहर 3 बजे के बाद दिल्ली की राउंड रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज अदालत चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगी, लेकिन राउंड रेवेन्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर होगी। चिदंबरम मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की गिरफ्तारी से बचने की भी कोशिश कर रहे हैं। चिदंबरम चाहते हैं कि सीबीआई हिरासत खत्म होते ही उन्हें जमानत पर निचली अदालत फैसला दे दे। सीबीआई के वकील चिदंबरम की तरफ से ऐसा विशेषाधिकार मांगने पर विरोध कर रहे हैं। रूस में मोदी ने मलेशिया के पीएम के सामने उठाए जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का मुद्दा। रूस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज व्लादिवोस्तोक में मलेशिया के पीएम महातिर बिन मोहम्मद से मुलाकात की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महातिर बिन मोहम्मद के सामने विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों ने फैसला किया है कि हमारे अधिकारी इस मसले के संपर्क में रहेंगे, यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। विजय गोखले ने यह भी बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के पीएम को जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हनन के कारणों के बारे में बताया। इस दौरान दोनों देशों के बीच आतंक से संबंधित मुद्दे पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि जाकिर नाइक ने साल 2016 में भारत से फरार होने के बाद मलेशिया में शरण ली थी और वहां उसे अस्थायी नागरिक का दर्जा मिला है। भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण के लिए लंबे समय से प्रयासरत है। भारत में उसने मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ बयान देने के लिए कई केस दर्ज है। कर्नाटक में सिद्धार्थ रमैया ने खोया आपा। समर्थक को थप्पड़ मारने के बाद बोले, वह मेरे बेटे जैसे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ रमैया ने बुधवार को मैसूर में अपना आपा खो बैठे। एक कांग्रेस नेता के फोन पर बातचीत करने के लिए कहने पर उन्हें एक समर्थक को कथित रूप से थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सिद्धार्थ रमैया की इस हरकत की जमकर के आलोचना हो रही है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि यह घटना मैसूर के हवाई अड्डे पर तब हुई जब सिद्धार्थ रमैया मीडिया से मुखातिब होने जा रहे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी की निंदा की है। रवि ने उन्हें वरिष्ठ कांग्रेस नेता मरी गोड़ा से बात करने के लिए मोबाइल देने की कोशिश की थी। इस बात से नाराज सिद्धार्थ रमैया ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। यह घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में रतुल पुरी को गिरफ्तार कर लिया है। रतुल पुरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के भांजे हैं। रतुल पुरी कथित रूप से बैंक लोन धोखाधड़ी से संबंधित एक अन्य केस में पहले ही न्यायिक हिरासत में है। पुरी को उनके खिलाफ जारी वारंट पर विशेष जज अरविंद कुमार के समक्ष पेश किया गया था। ईडी की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद अदालत ने पुरी को एक दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और कहा है कि वह वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हिरासत में पूछताछ की जाने पर जांच एजेंसी की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगी। यूपी में 1857 के दौर के मंदिरों मेलों की रौनक लौटाने की तैयारी में है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार खो चुके दौर को वापस लाने की तैयारी में है। सरकार ने पुरातत्व विभाग से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राज्य में मौजूदा मंदिरों की एक लिस्ट तैयार करने को कहा है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने सांस्कृतिक विभाग के अधिकारियों से अगले 2 महीने के भीतर प्रत्येक जिलों की विरासत का दस्तावेजीकरण करने को कहा है। पारंपरिक मेलों और स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी जगहों की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। सूत्रों ने कहा है कि राज्य सरकार उस दौर के मंदिरों और पारंपरिक मेलों के पुनर्जीवित करने के लिए इच्छा जताई है जो एक क्षेत्र या जिले की पहचान बन चुके थे। इस पहल के तहत पुराने मंदिरों और पारंपरिक मेलों को पुनर्जीवित करने की योजना है। आर्थिक मंदी को लेकर के प्रियंका गांधी बोली, मोदी सरकार के पास न हल न देश को भरोसा देने का बल। कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर मंदी को लेकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश में हर रोज मंदी की खबर आ रही है जिस पर भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों है, जो बहुत खतरनाक है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि काम डाउन, हर दिन मंदी की खबर है और हर दिन बीजेपी सरकार की इस पर खामोशी, दोनों बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार के पास न हल है न देशवासियों को भरोसा दिलाने का बल है, सिर्फ बहलाने, बयानबाजी और अफवाहें फैलाने से काम नहीं चलेगा। बिहार में पोस्टर बार, जेडीयू के जवाब में आरजेडी ने लिखा, क्यों न करे विचार, बिहार जो है बीमार। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। पोस्टर के जरिए पार्टियां माहौल बनाने की कोशिश में लगी हुई है। बिहार में सत्ताधारी जेडीयू ने मुख्यमंत्री की मुस्कुराती हुई तस्वीर के साथ एक पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा था, क्यों करे विचार, ठीक है तो नीतीश कुमार। अब मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के नेता ने उनके जवाब में पोस्टर जारी किया है। पोस्टर के जरिए आरजेडी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए लिखा है, क्यों न करे विचार, बिहार है जो बीमार। आरजेडी ने बिहार सरकार और सीएम नीतीश कुमार की नाकामियों को उजागर करते हुए कहा है। पोस्टर में बिहार के नक्शे में चमकी बुखार, बाढ़ इत्यादि दर्शाए गए हैं। राज्य की व्यवस्था को दिखाया गया है। उधर जेडीयू कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लिखा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि सच्चा है, अच्छा है, चलो नीतीश कुमार के साथ चले।